Good morning. Today is 16th of December 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. पहला आर्टिकल यहाँ पे WTO नेगोशिएशन से संबंधित है, डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को. नीचे ये आर्टिकल ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी से संबंधित है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे. बीच में ये बड़ा आर्टिकल इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको लेके, जिस प्रकार से नेगोशिएशंस या फिर बातचीत हो रही है बॉर्डर विवाद को सुलझाने के लिए, क्या वो प्रोडक्टिव साबित हुई है या नहीं हुई है, तो डिटेल से इस आर्टिकल पे हम चर्चा करेंगे. नीचे ये आर्टिकल NPS यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट से संबंधित है, ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं है आर्टिकल में, नहीं डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को. दूसरे पेज पे ग्राउंड जीरो है, हर सैटरडे को पब्लिश होता है, फैक्चुअल डिटेल्स लोकल डिटेल्स काफी ज्यादा होती है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, नहीं डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को. लेकिन इंडियन एक्सप्रेस का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, हमारे देश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फिलहाल क्या सिचुएशन है. चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर जो आर्टिकल है उसे डिस्कस करेंगे. GS पेपर 2 में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस टॉपिक के अंडर कवर होगा ये आर्टिकल. क्या कंटेक्स्ट है? इंडिया और चाइना के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मुलाकात होगी दिल्ली में बॉर्डर विवाद को सुलझाने के लिए. 20वें राउंड की मुलाकात होगी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में. उससे पहले इंडिया और चाइना के विदेश मंत्री भी मिले और उस मुलाकात के बाद इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है सुषमा स्वराज, उन्होंने तो काफी बैलेंस स्टेटमेंट्स दी, लेकिन चाइना के विदेश मंत्री की तरफ से काफी टफ स्टेटमेंट्स देखने को मिली. चाइना के विदेश मंत्री ने कहा कि इंडिया को अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स उठाने होंगे अगर रिलेशंस को इंप्रूव करना है तो. इसके अलावा चाइना के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अभी इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो क्रिटिकल जोन में है, क्रिटिकल पीरियड है इंडिया और चाइना के रिलेशंस के लिए. दोनों देशों को करेक्ट चॉइसेस चूज करनी होगी. क्या चाहता है इंडिया, क्या चाहता है इंडिया और चाइना के रिलेशंस कैसे हो फ्यूचर में, चाइना क्या चाहता है इंडिया और चाइना के रिलेशंस कैसे हो फ्यूचर में. अभी जो जिस प्रकार से रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो कतई संतुष्ट करने वाली नहीं है. क्यों? क्योंकि ट्रस्ट की कमी है. चाइना के विदेश मंत्री ने कहा कि जब तक ट्रस्ट इस्टैब्लिश नहीं होगा दोनों देशों के बीच में तो डोकलाम जैसे विवाद आगे भी होते रहेंगे. तो हमें आवश्यकता है कि डोकलाम विवाद जो सुलझाया गया है उससे हम लेसन सीखें और फ्यूचर में डोकलाम विवाद जैसी घटनाएं ना हों. इसके अलावा उन्होंने कुछ सजेशंस भी दिए, जैसे स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन इस्टैब्लिश करने की आवश्यकता है सभी लेवल्स पे, डायलॉग मैकेनिज्म इस्टैब्लिश करने की आवश्यकता है, प्रैक्टिकल कोऑपरेशन भी होना चाहिए और जो भी डिफरेंसेस हैं उनको इस प्रकार से सुलझाया जाए ताकि बॉर्डर पे शांति बनी रहे. ये सब बातें कही गई चाइना के विदेश मंत्री के द्वारा. अब हम बात करते हैं कि पास्ट में क्या मैकेनिज्म्स रहे हैं, किस प्रकार से प्रयास किए गए इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए. अगर 1970 के दशक की हम बात करें तो उस समय चार बॉर्डर लाइंस, चार LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हुआ करती थी इंडिया और चाइना के बीच में. कैसे? एक तो देखो वो लाइन, सबसे पहले जो इंडिया सोचता था कि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर लाइन ये है. दूसरी वो बॉर्डर लाइन जो चाइना सोचता था कि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर लाइन ये है. उसके अलावा तीसरी बॉर्डर लाइन, वो बॉर्डर लाइन, अब देखो चाइना ने उस समय हमें बताया तो था नहीं कि हमारे हिसाब से बॉर्डर लाइन क्या है, तो इंडिया अंदाजा लगा रहा था. चाइना के सैनिक जो थे जितना आगे आते थे हम सोचते थे अच्छा चाइना के सैनिक यहां तक आ रहे हैं, मतलब चाइना ये सोचता है कि चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर लाइन ये है. क्योंकि चाइना ने उस समय बताया नहीं था हमें कि एक्चुअली हमारी बॉर्डर लाइन है क्या, हम क्या चाहते हैं. उसी प्रकार से चाइना को इंडिया ने नहीं बताया था कि हमारी बॉर्डर लाइन है क्या हमारे हिसाब से, तो चाइना भी अंदाजा लगा रहा था कि इंडिया के सैनिक यहां तक आते हैं. अच्छा इंडिया के हिसाब से इंडिया ये समझता है कि बॉर्डर लाइन इंडिया और चाइना के बीच में ये है. तो चार बॉर्डर लाइंस हुआ करती थी उस समय 1970 के दशक में. फिर 1980s में चाइना की तरफ से एक प्रपोजल दिया गया. चाइना ने यह कहा कि देखो अगर इंडिया ये मानता है कि जो अक्साई चीन, क्योंकि अभी देखो अक्साई चीन जो है इस एरिया पे चाइना का कब्जा है और हमारे अकॉर्डिंग ये हमारा एरिया है. चाइना ने यह कहा कि अगर इंडिया ये मान लेता है कि अक्साई चीन जो है वो चाइना का एरिया है तो हम ये मान लेंगे कि त्वांग और अरुणाचल प्रदेश ये सारा एरिया इंडिया का है. मतलब उनके अकॉर्डिंग में अगर इंडिया कुछ सॉफ्ट होता है वेस्टर्न सेक्टर की तरफ तो चाइना सॉफ्ट हो जाएगा ईस्टर्न सेक्टर की तरफ और हमेशा के लिए बॉर्डर विवाद को सुलझा लिया जाएगा. लेकिन इंडिया ने उस समय इस प्रपोजल को मना कर दिया था, इनकार कर दिया गया था. तो उस समय फिर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया ताकि कम से कम ये तो पता लगे कि चाइना चाहता क्या है और इंडिया क्या चाहता है. तो दोनों जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप में दोनों वर्किंग ग्रुप्स होंगे इंडिया के और चाइना के, एक दूसरे के साथ मैप शेयर करेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग ये बॉर्डर लाइन है, आपके अकॉर्डिंग ये बॉर्डर लाइन है. कम से कम जहां तक, जहां पे कोई विवाद नहीं है वो तो पता लगे. तो देखो जॉइंट वर्किंग ग्रुप में जो सेंट्रल सेक्टर है उत्तराखंड के आसपास का, इस पे पूरा तरह से मैप शेयर कर लिए गए थे, मतलब इस एरिया पे कोई विवाद नहीं है. लेकिन वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर,
दोनों एरियाज से रिलेटेड मैप्स को नहीं शेयर किया गया था। बाद में ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप आगे नहीं चल सका। 2003 में बड़ी उम्मीद के साथ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स की स्थापना की गई थी। मतलब एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव आएगा इंडिया की तरफ से, एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव आएगा चाइना की तरफ से, और नेगोशिएशन होंगे बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए। अब देखो 19 राउंड की बातचीत हो चुकी है, 20वें राउंड की बातचीत होने वाली है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ भाई कुछ प्रोडक्टिव निकल के आया है इस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की बातचीत में। काफी सारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया से बदल चुके हैं, जैसे ब्रजेश मिश्र, जे एन दीक्षित, एम के नारायणन, शिवशंकर मेनन और अभी अजीत डोवल हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं इस बॉर्डर विवाद को सुलझाने के लिए। उसके अलावा हाल ही में एक 10th राउंड की वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स WMCC, इसकी भी बातचीत हुई। काफी कुछ कहा गया कि प्रोडक्टिव बातचीत है, लेकिन ऐसा कहने के बावजूद यह नहीं बताया गया कि अगले राउंड की बातचीत कब होगी। कुल मिला के राइटर यह कहना चाहते हैं कि बॉर्डर विवाद को सुलझाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए हैं इंडिया और चाइना के बीच में, लेकिन वो एफर्ट्स बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है और बॉर्डर विवाद लगातार चला आ रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। इसका असर, इसका इंपैक्ट कॉम्प्रिहेंसिवली इंडिया और चाइना के रिलेशंस पे देखने को मिलता है। चाइना देखो हमें एनएसजी की मेंबरशिप नहीं लेने देता, बार बार ऑब्स्टेकल अटकाता है। उसके बाद पाकिस्तान का जो टेररिस्ट है जिसे हम ब्लैक लिस्ट में डलाना चाहते हैं, चाइना बार बार वीटो का यूज करता है यूएन में, पाकिस्तान की मदद करता है चाइना। और हमारे आसपास के जो देश हैं हमारे पड़ोस में, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, उन सबके साथ रिलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है चाइना हमें इनसर्कल करने के लिए। और जो ओरिजिन है इन सब चीजों का वो है बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। कंक्लूजन में क्या बोलते हैं राइटर, एसेंस देखो राइटर का एक ही निकलता है कि बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए गए हैं इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर विवाद को सुलझाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री जो हॉटलाइन है उसको एस्टैब्लिश करने की बात कही गई कि दोनों आर्मी के बीच में एक हॉटलाइन एस्टैब्लिश की जाएगी, लेकिन अभी तक इसको मेटलाइज नहीं किया जा सका है। कम से कम ये तो होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से दोनों देशों ने अपने यहाँ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर लिया है और एग्रेशन भी काफ़ी देखने को मिलता है, अगर कोई अनटावर्ड इंसिडेंट होता है तो हॉटलाइन पर बातचीत की जा सकती है, कम से कम हॉटलाइन तो इस्टैब्लिश किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन उसके अलावा इंडिया को ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि बातचीत से जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो सोल्व होगा। इंडिया को चाहिए कि इंडिया अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करे, इंडिया को चाहिए कि इंडिया अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करे। और अब इस सच्चाई के साथ हमें जीना होगा कि ये सेंचुरी जो है वो एशियन सेंचुरी है, और इस एशियन सेंचुरी में दोनों देश राइज हो रहे हैं, इंडिया भी और चाइना भी, तो दोनों देशों के बीच में कंफ्लिक्ट्स हो सकता है। इसलिए हमें अपने आप को इंपावर करने की आवश्यकता है बॉर्डर के सुलझाने के लिए। बॉर्डर विवाद को सुलझाने के लिए जो बातचीत होती है उससे ज्यादा कुछ निकलने वाला नहीं है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो ये राइटर कहते हैं कंक्लूजन में। ये पूरा आर्टिकल था इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस द वेरियस मैकेनिजम्स एस्टैब्लिश बिटवीन इंडिया एंड चाइना टू सोल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट। जो जो मैकेनिज्म्स इंडिया और चाइना के बीच में एस्टैब्लिश हुए हैं बॉर्डर विवाद को सुलझाने के लिए, उनके बारे में आपको डिस्कस करना है ब्रीफली। इन योर ओपिनियन हाउ शुड इंडिया रिजोल्व इट्स बाउंड्री डिस्प्यूट विद चाइना। आपको क्या लगता है इंडिया को कैसे बॉर्डर विवाद को सुलझाना चाहिए चाइना के साथ में, मतलब इंडिया की अप्रोच कैसी होनी चाहिए। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कोट भी देख लीजिए, ऐसे और एथिक्स में यूज हो सकता है ये कोट, मार्टिन लूथर किंग का है, नेवर नेवर बी अफ्रेड टू डू व्हाट इज राइट। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि हमें अपने जीवन में अगर किसी ह्यूमन बीइंग, किसी पर्सन या फिर एनिमल की वेलफेयर स्टेक पे हो तो सही चीज करने में कभी भी नहीं डरना चाहिए, कभी भी नहीं घबराना चाहिए सोसाइटी के डर से। क्योंकि देखो सोसाइटी तो बोलती ही है, अगर हम कुछ करेंगे तो भी सोसाइटी बोलेगी, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो भी सोसाइटी बोलेगी। लेकिन अगर किसी ह्यूमन बीइंग की या फिर किसी एनिमल की वेलबींग जो है वो स्टेक पे है, दाव पे है, और हम कुछ नहीं करेंगे जबकि हम कुछ कर सकते थे, तो जो हमारे जमीर पे, जो हमारे इनर कंसाइंस पे जो घाव होगा उसे जल्दी से नहीं भरा जा सकेगा। इसीलिए जब भी किसी ह्यूमन बीइंग की या एनिमल की जो वेलबींग है वो दाव पे हो तो हमें करना होगा बिना डरे, बिना सोसाइटी के डर से। ये कोट है, आप इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे और एथिक्स में। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमन इन इंडिया। वुमन पे ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हुए हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हुए हैं, दोनों इफेक्ट्स आपको डिस्कस करना है। 150 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके बाद व्हाट डज एथिक्स सीक टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ, एथिक्स ह्यूमन लाइफ में क्या प्रमोट करना चाहते हैं और एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, यह क्वेश्चन भी आपको आंसर देना है 150 वर्ड्स में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल WTO से संबंधित है, GS पेपर 2 में इस टॉपिक के अंडर कवर होगा यह आर्टिकल। क्या कंटेक्स्ट है, WTO के मेंबर कंट्रीज की 11th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई, कहां पे,
अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयरस में, लेकिन इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। इंडिया कहता है कि हमें इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से पार्शियल सक्सेस हासिल हुई। कैसे? इंडिया मांग कर रहा था कि हम किसानों को डोमेस्टिकली जो सब्सिडी देते हैं या फिर फूड को जो स्टोर करते हैं, स्टॉक पाइलिंग ऑफ फूड होता है फूड सिक्योरिटी के लिए, उस पर बार बार जो मांग की जाती है डेवलप कंट्री के द्वारा, आप इस सब्सिडी को कम कीजिए। अभी फिलहाल इस चीज पे पीस क्लास है, यानी डेवलप कंट्री का कोई भी मेंबर WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास में नहीं जा सकता इस बात को लेके कि डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि इंडिया अपने किसानों को सब्सिडी दे रहा है। ये पीस क्लास है, मतलब कोई भी मेंबर हमारी शिकायत करके नहीं जा सकता WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन इस चीज पर निकलना चाहिए ताकि आगे फ्यूचर में कभी भी हमें ना कहा जाए डोमेस्टिकली किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है उसे कम करने के लिए। तो इसमें हमें असफलता हासिल हुई क्योंकि इंडिया चाह रहा था कि परमानेंट सॉल्यूशन इस चीज पर निकलना चाहिए, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला। दूसरी बात, सक्सेस कैसे हासिल हुई? डेवलप कंट्री ये कह रहे थे कि ई कॉमर्स पे बात आगे चलनी चाहिए। ई कॉमर्स मतलब के जो डेवलपिंग कंट्रीज की जो मार्केट है वो और ज्यादा ओपन होनी चाहिए डेवलप कंट्रीज की ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए। इस बात को लेकर डेवलप कंट्री मांग कर रहे थे, लेकिन इस बात पे भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो यहां पे इस चीज का हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि देखो, इंडिया में अगर डेवलप कंट्रीज की ई कॉमर्स साइट्स अगर बहुत ज्यादा आएंगे हमारे देश में, जो छोटे रिटेलर्स हैं, छोटे दुकानदार्स हैं, उनको बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो जाएगा। तो इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं। इंडिया ये भी बात कर रहा है कि देखो, 2011 में जो दोहा राउंड्स की बातचीत है, दोहा राउंड्स में काफी सारे इश्यूज हैं, पहले आप उन इश्यूज को तो सुलझाइए, बाद में आप नए इश्यूज लेके आइए। आपने 2001 के जो दोहा राउंड के जो इश्यूज हैं उनको तो सुलझाया नहीं, आप नए नए इश्यू लेके आ रहे हो, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट का इशू है या फिर इवन फिशरीज का इशू है। जो डेवलप कंट्री है वो ये मांग कर रहे हैं कि हम यानी डेवलपिंग कंट्रीज फिशरीज के लिए जो सब्सिडी देते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज उन सब्सिडी को कम कीजिए। डेवलप्ड कंट्री ऐसी मांग कर रहे हैं, तो हम इसका भी विरोध कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हम देखो, मछुआरे को जो सब्सिडी हम देते हैं वो उनको जीने के लिए आवश्यक है, उनका सब्सिस्टेंस का सवाल है। अगर हम उनको ये सब्सिडी नहीं देंगे तो उनका लाइवलीहुड भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इन दो चीजों को लेकर इंडिया का विरोध था और डेवलप कंट्री इन दो चीजों को लेकर आगे नहीं बढ़ सके। कुल मिलाकर WTO में दो ग्रुप्स के बीच में विवाद है, एक तरफ है डेवलपिंग कंट्रीज और दूसरी तरफ है डेवलप कंट्रीज। अमेरिका ये कहता है कि इंडिया और चाइना जैसे देश हैं, उनकी जो GDP है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन फिर भी वो एग्जम्पशन की मांग करते हैं WTO में, ये गलत है। इंडिया का ये कहना है कि भले ही हमारी GDP है बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अभी भी हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, अगर हमें उनको गरीबी से बाहर निकालना है तो हमें एग्जम्पशन चाहिए। जबकि अमेरिका चाइना पर यह आरोप लगाता है कि चाइना ट्रेड डिस्टोर्टिंग प्रैक्टिसेस अपनाता है, ओवर कैपेसिटी, चाइना की जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग की जो फैक्ट्रीज हैं वो स्टील को डंप करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। इस चीज को लेकर डेवलप्ड कंट्रीज का विरोध है। कंक्लूजन में एक बात बोली जाती है कि देखो, हमें लगातार स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना होगा WTO में, हमें किसी भी प्रकार से डेवलप कंट्रीज के दबाव में नहीं आना होगा और अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस नहीं करना होगा। लेकिन एक बात हम WTO के इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से सीख सकते हैं कि US के भरोसे हम नहीं रह सकते मल्टीलेटरल फोरम्स में। US तो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता मल्टीलेटरल फोरम्स को। अब WTO में ट्रंप के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव थे वो तो कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़ के चले गए, उन्होंने कॉन्फ्रेंस को पूरा भी नहीं अटेंड किया। और उससे पहले जो WTO की एपिलेट बॉडी है वहां पर जजेस के अपॉइंटमेंट होनी थी, लेकिन USA ने उन जजेस के अपॉइंटमेंट को ब्लॉक कर दिया। यानी ट्रंप अभी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं मल्टीलेटरल फोरम्स को। तो ये काफी चिंता की बात है क्योंकि देखो, WTO को 1995 में इस ऑब्जेक्टिव के साथ इस्टैब्लिश किया गया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड को प्रमोट करेगी और वर्ल्ड के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न देशों में समृद्धि आएगी, प्रोस्पर्टी आएगी। लेकिन जिस प्रकार से स्टालमेट है WTO जैसी ऑर्गेनाइजेशन में, लगता नहीं कि जिस मकसद के साथ, जिस पर्पज के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, उस पर्पज के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ पा रही है। तो ये पूरा आर्टिकल था। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हमारे देश में इंजीनियरिंग की सिचुएशन के बारे में है। GS पेपर 2 में एजुकेशन के टॉपिक के अंडर कवर होगा ये आर्टिकल। देखो, किसी भी देश में हायर एजुकेशन को एक्सपेंड करने के लिए दो रास्ते होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं। पहला रास्ता, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉलो करो ताकि बहुत सारे नए कॉलेजेस ओपन ना हो पाए, लेकिन जितने कॉलेजेस ओपन हो वहां पे क्वालिटी एजुकेशन मिले और क्वालिटी ग्रेजुएट्स वहां से पढ़कर निकले, ये है पहला रास्ता। दूसरा रास्ता कि बहुत ज्यादा लिबरल रेगुलेशंस फॉलो करो ताकि बहुत ज्यादा नए कॉलेजेस ओपन हो, क्वांटिटी ऑफ ग्रेजुएट्स ज्यादा हो, लेकिन दूसरे रास्ते में क्वालिटी नहीं रहती। इंडिया ने कौन सा रास्ता फॉलो किया?
दूसरा रास्ता। हमारे देश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं है ग्रेजुएट्स की। कुछ फैक्ट्स रखे गए हैं राइटर के द्वारा। देखो, यूएसए से हर एक साल जितने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं और चाइना से हर एक साल जितने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं, दोनों को अगर मिला भी दिया जाए तो इंडिया के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की संख्या ज्यादा है, लेकिन वही बात स्किल्स नहीं है। नास्कॉम का 2011 का सर्वे कहता है कि जितने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हमारे देश से हर एक साल निकलते हैं, उनमें से सिर्फ 17% एम्प्लॉयबल हैं, मतलब उनके पास स्किल्स हैं ताकि इंडस्ट्री उनको जॉब दे सके। बाकी बचे हुए 83% के पास में इंडस्ट्री के हिसाब से स्किल्स नहीं है ताकि उनको जॉब मिल सके। और अभी 50% जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सीट्स हैं वो तो खाली रह जाती हैं। तो साफ साफ एक मिसमैच है, इंडस्ट्री क्या चाहती है और क्या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, दोनों चीज़ों के बीच में एक बहुत ज़्यादा मिसमैच है। इसी मिसमैच के कारण इंजीनियरिंग कॉलेजेस से जब स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं तो उन्हें जॉब्स नहीं मिल पाती, क्योंकि देखो इंडस्ट्रीज और कंपनीज हिचकिचाती हैं फ्रेशर्स को जॉब देने में। उनको ये लगता है कि अगर फ्रेशर्स को जॉब दी जाएगी तो उनका खर्चा आएगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, टाइम भी लगेगा, इसीलिए वो हिचकिचाती हैं। देखो, वैसे तो गवर्नमेंट मेक इन इंडिया पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, लेकिन अगर मेक इन इंडिया को सफल बनाना है तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस पर डेफिनेटली ध्यान देना होगा, क्योंकि मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए इनोवेशन चाहिए। क्वालिटी ग्रेजुएट्स जब निकलेंगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, वही ग्लोबल कंपटीशन की मांग को फुलफिल कर सकते हैं, अदरवाइज मेक इन इंडिया को सफल बनाना मुश्किल है। लास्ट में कंक्लूजन में एक बात बोली जाती है कि AICTC जो मान्यता देता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस को, काफ़ी सारे क्राइटेरियाज को फॉलो करता है किसी इंजीनियरिंग कॉलेज को एफिलिएशन देते समय, जैसे क्लासरूम, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, स्टूडेंट टीचर रेशियो। इवन अगर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज को मान्यता दे दी जाती है तो उसके बाद AICTC के द्वारा उस इंजीनियरिंग कॉलेज को मॉडल करिकुलम भी प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन आमतौर पे इंजीनियरिंग कॉलेज क्या करते हैं, बहुत पुराना करिकुलम को चलाते रहते हैं, इंडस्ट्री की नीड्स के हिसाब से करिकुलम को चेंज नहीं करते, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो सरकार का मकसद ये होना चाहिए, सरकार का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस का ठीक से रेगुलेशन हो, ताकि वो AICTC के प्रॉपर रूप से गाइडलाइंस फॉलो करें और इंडस्ट्री की नीड्स के हिसाब से ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करें। तो ये पूरा आर्टिकल है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित है। GS पेपर 2 में इस टॉपिक के अंडर कवर होगा ये आर्टिकल। क्या कंटेक्स्ट है? सेंट्रल गवर्नमेंट के टीबी डिसीजन ने फैसला लिया कि हमारे देश में 35 लाख लोग जो टीबी से पीड़ित हैं उनको हर एक महीने 500 रुपये दिए जाएंगे, ताकि वो लोग, वो पेशेंट्स जो टीबी से पीड़ित हैं, प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन ले सकें और इलाज करवाते वक्त ट्रैवलिंग के दौरान जो लॉस होता है या फिर उनके वेजेस का जो लॉस होता है उनकी भरपाई की जा सके। देखो, टीबी और मालन्यूट्रिशन के बीच में एक रिश्ता है। मालन्यूट्रिशन जिस पर्सन को है, जिस पर्सन के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, तो टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है, और जिस पर्सन को टीबी हो जाता है, न्यूट्रिशन की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है उस पर्सन के शरीर में। तो ये विशेष साइकिल चलता रहता है। कुछ महीने पहले इस साल के शुरुआत में टीबी डिवीजन ने ये रिकमेंडेशंस दी थी सरकार को कि इस चीज़ के लिए आप क्या कीजिए, या तो PDS के अंदर उन लोगों के लिए जो टीबी से पीड़ित हैं, PDS सिस्टम के अंदर उनके लिए राशन डबल कर दीजिए, या फिर उनको कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स दीजिए, ऑयल सीड्स वगैरह, या फिर सीरियल पाउडर, मिल्क पाउडर, कुछ उनको ऐसा दिया जाए ताकि न्यूट्रिशन की कमी उन लोगों के शरीर के अंदर ना हो जो लोग टीबी से पीड़ित हैं। लेकिन ये इन रिकमेंडेशंस को नहीं माना गया। अब उन्होंने ये फैसला लिया है कि राशन डबल करने की बजाय या फिर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स देने की बजाय उनको हर एक महीने 500 रुपए दिए जाएं। अब आर्टिकल क्वेश्चन उठाता है टीबी डिवीजन के इस फैसले पे, क्योंकि पहले तो टीबी डिवीजन ने यह कहा था कि जो लोग टीबी से पीड़ित हैं उनके लिए PDS के अंदर राशन डबल होना चाहिए और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स उनको मिलने चाहिए, लेकिन अब क्या 500 रुपए से उनका काम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, तो इसीलिए आर्टिकल क्वेश्चन उठाता है। इसके अलावा आर्टिकल के अंदर एक और बात भी बोली जाती है, अभी देखो प्रॉपर स्टडी का भी अभाव है कि क्या एक टीबी पेशेंट को ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, ज्यादा विटामिन चाहिए एक आम आदमी के कंपैरिजन में, और चाहिए तो कितना ज्यादा चाहिए, तो इन सब चीजों पे भी स्टडी होनी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल था ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी। शुरुआत से हम देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर जो इशू था। हमने हिस्ट्री भी जानी कि इस प्रकार से क्या क्या मैकेनिज्म्स रहे हैं दोनों देशों के बीच में बॉर्डर विवाद को सुलझाने के लिए। और राइटर कहते हैं कि इंडिया को ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि इस प्रकार से बातचीत से बॉर्डर विवाद को सुलझाया जा सकता है। उसके बाद हमने WTO से संबंधित जो इशू था उसको डिस्कस किया। उसके बाद हमने हमारे देश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की क्या सिचुएशन है उसके बारे में चर्चा की।
और सबसे लास्ट में हमने टीबी को लेकर, ट्यूबरक्लोसिस को लेकर जो आर्टिकल है उसे डिस्कस किया। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।